अबे उठो ना, दिखाओ ना अपनी पावर। हाँ हाँ उठ गया उठ गया, बस तेरे ही वीडियो का वेट कर रहा था रे छपरी। अगर तूने एल्विस यादव के ऊपर एफआईआर की, उससे अगले दिन थारा भाई जोगिंदर तेरे ऊपर मानहानि का केस ठोक देगा। सुन मेरी बात, वो मैक्सन मार भी खा गया, वो लड़ भी लिया, वो एफआईआर भी कर दिया, वो मिल भी लिए, वो गाना भी कर लिया, सब खत्म भी हो गया, और तू अभी तक घर पे बैठे थारा भाई चुचुंदर कर रहे। 15-20 दिन पहले तूने सोशल मीडिया पे मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी। तो 15-20 दिन पहले कहाँ था, अब आया है कंट्रोवर्सी में अपना तवा सेकने के लिए, व्यूज लेने के लिए, जिसके अंदर तूने मेरे करैक्टर को गलत बताया है। तेरा करैक्टर ट्रैक्टर के टायर की तरह गंदा है, इसलिए बहुत सही बोला है। इस हिसाब से मैं भी तेरे ऊपर एफआईआर कर सकता हूँ। ऐसे हिसाब से तूने किया नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ तूने क्यों नहीं किया, क्योंकि तेरी फट गई कि ये दोनों तो मिल गए, अब मिलके तेरी लंका ना लगा दे, इसीलिए तूने नहीं किया। एल्विस यादव के पीछे है ना जोगिंदर यादव खड़ा है। एल्विस यादव को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होगा। और मैं देखता हूँ कौन एल्विस यादव को हाथ लगाता है। अरे जोगिंदर कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, तू लोगों को भड़काना बंद कर। और साले सुन, हर बात में ना जय श्री राम का नारा लगाना बंद कर, तेरे मुंह पे शोभा नहीं देता है। हर बात में श्री राम के भक्त हो तो ये वीडियो शेयर करो, घर घर तक पहुंचाओ। अबे तेरी वीडियो शेयर नहीं करी तो हम राम जी के भक्त नहीं है क्या? साला घर से बच्चों को उठा करके गरीबों के कपड़े पहना कर कॉन्टेंट बनाता है और लोगों को बोलता है कि राम जी के भक्त तो शेयर करो। साले सुंदर साले यहां से।